जी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ टू थिंग्स, सिलिकॉन एंड एलुमिनियम। सिलिकॉन और एलुमिनियम का, सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन का एस आई, ठीक है, सिलिकॉन का हम देखें एस आई आ जाएगा, और एलुमिनियम का AL, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना, सील, ठीक है, सील आ गया। ओशनिक क्रस्ट देखें, ओशनिक क्रस्ट जो है वो मेड ऑफ थ्री थिंग्स पर होता है, सिलिकॉन, एलुमिनियम, सिलिकॉन आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट तीन चीज़ों पर है, सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिकॉन का S, आयरन का I और मैग्नीशियम का Ma, ये दोनों को कंबाइन करके इसका एक फार्मूला बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं सीमा, या इसको एक नाम दे देते हैं, इट इज़ नोन एज सीमा, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट आपको पता है कि ओशन जो है वो वाटर पे कंसिस्ट होगा, तो वो तो हमें पता है, सही। अब हम क्रस्ट के बाद आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, जो है मेंटल। मेंटल जो है मिडल लेयर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, मिडल लेयर ऑफ द अर्थ यानी दरमियानी जो तय है ज़मीन की, वो क्या कहलाती है, मेंटल। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट ज़मीन के नीचे जो क्रस्ट जहाँ पर हम चलते हैं, क्रस्ट जो है वो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा, ज़मीन से जो नीचे वाला हिस्सा होगा, दरमियानी हिस्सा, वो मेंटल होगा। अब ये दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, वो कौन से दो पार्ट हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल को अब हम देखते हैं, अपर मेंटल है 670 किलोमीटर थिक है, सही। मोस्ट मोस्टली ये रॉक्स पे कंसिस्ट करता है, रॉक्स जो होती हैं जो मोल्टन फॉर्म में जो होते हैं, जो पिघल जाती हैं टेम्परेचर की वजह से।